ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों मित्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताज़ा वीडियो में। यह वीडियो आप सभी कर्ण राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के जीवन में दो बड़ी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होंगे, क्योंकि 30 मई 2023 दिन आपका किस प्रकार परिवर्तन मंगलवार का दिन होने वाला है, जो कि आपके जीवन में आपको खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। परंतु आपको समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ सकता है। समय के साथ आपको दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जमीन जायदाद लेने का मौका मिल सकता है, घर बनाने का मौका मिल सकता है, वाहन कार्य इत्यादि अपने शानो शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त होने वाले हैं। आपको बताएंगे आपका लकी नंबर, लकी कलर कौन सा रहेगा, कौन सा वह कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतनी हो सकती हैं, जो कि आप लोगों को बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो के लगातार अंत तक देखिएगा। इससे पहले इस वीडियो को कोई सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में। और आपके जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव होने की संभावनाओं का निर्माण हो चुका है, तो संपूर्ण बातें इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें। सुबह आपका परीक्षा ले रहा है, संक्रात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा होगा, संक्रात्मक सोच की वजह से सफलता मिलेंगे। जमीन जायदाद के अट के मामले सुलझने की उम्मीद है। निकट संबंधियों के साथ किसी भी विशेष मुद्दे पर लेकर आज के दिन गंभीर और लाभदायक विचार विमर्श होगा। आपको अपने किसी भी स्थिति में विचलित ना होने दें। अगर कोई भी कानूनी कार्यवाही चल रही है तो सचेत रहें। बच्चों की किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों का पता चलने से चिंता हो सकती है। बहुत ही समझदारी से समस्या को सुलझाने की जरूरत रहेंगे। व्यवसाय में नई पार्टनरशिप को लेकर भी ऑफर आ सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर और उम्मीद आपके व्यवसाय को एक नई दिशा प्रदान करेगा। ऑफिस में किसी बड़े अधिकारियों की कोई भी बात परेशान कर सकती है। परिवार में किसी भी आयोजन की योजनाएं बन सकती हैं। अचानक किसी पुराने मंत्र के मिल जाने से पुरानी यादें ताज़ा होंगी। नकारात्मक विचारों को बढ़ने ना दें तो वजह से समाधित पुराना रोग उभर सकता है। जिस लक्ष्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वह लक्ष्य आसानी से पूरा नहीं हो पाएगा। आप निर्णय सही लेंगे लेकिन तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। आपके सोच संक्रात्मक लाभ होना होगा। फिलहाल आज के दिन खुद पर दबाव ना बनने दें। केरल को लेकर बनाने का जीवन में बेहतर बनाने का मौका मिल सकता है आपको। केवल कार्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। पार्टनर से आपको नज़रअंदाज कर रहा है कर सकता है, जिससे आपकी दिक्कतें बढ़ने की स्थिति बन सकती है। नींद से संबंधित समस्याएं दूर करने के लिए खुद को तीज करना होगा। जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे। जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिलने वाले हैं। देश विदेश से जुड़ी जानकारियों को हासिल करने के मौके आपको जीवन पर मिलेंगे। आज बड़ा सफलता मिलने जा रहा है। वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग मार्गदर्शन बना रहेगा। जरूरत अनुसार फाइनेंस की व्यवस्थाएं आसानी से हो जाएंगी। नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ आपके चले आ रहे विवाद के सुलझने में संबंधों में दोबारा से मधुरता आने वाली। गैर जरूरी यात्रा से समय आपको करते समय आपको कहेंगे पैसों की बर्बादी हो सकती है। लोगों से बातचीत करते समय वक्त सावधान रहना होगा। नए रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा गंभीरताओं से सोचने की जरूरत रहेगी। बच्चों की समस्याएं सुलझाने के लिए आपकी बड़ी मदद होंगे। बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण फैसले डेब सफल होंगे। स्टाफ तथा सहयोगी का पूर्ण सहयोग रहेगा। मार्केटिंग संबंधित कार्य में अधिक समय व्यर्थ न करें। ऑफिस के कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन आ सकता है। आपको कामकाज को लेकर भी सहजताएँ रखने होंगे। पारिवारिक व्यवस्थाओं में सुधार आएगा। काफ़ी समय के बाद रिश्तेदारों मुलाकात खुशी प्रदान कर सकती हैं। एलर्जी तथा रक्त से संबंधित आपको कोई भी समस्या होने पर आपको लापरवाही नहीं बरतना और अपनी जांच को अवश्य कराने होंगे। और आज के दिन काम को पूरे अग्रताओं से पूरे करने होंगे। पुरानी बातों का अवलोकन करने से विचारों में अस्पष्टता बने रहेंगे। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय पक्ष का रहेगा। अग्रताएँ बनाए रखना होगा। आपके निर्णय के कारण जरूरी कार्यों में नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को सतर्कता रखनी होगी। हर एक काम के लिए आपको साथियों पर निर्भर न रहने होंगे। रिलेशनशिप को सुधारने का मौका मिल सकता है। दिन आपका शुभ रहे।